बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कमरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की मार्केट का आगाज देखा जाए तो नेगेटिव हुआ और हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 300 से अबव माइनस चली गई। हमने कोशिश की कि अपने प्राइवेट ग्रुप में, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और मुख्तलिफ ग्रुप में हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट जो है आपकी करेक्शन की साइड पर है और मार्केट बाउंस बैक होगी और बेहतर परफॉर्म करेगी। मार्केट में बहुत ज़्यादा तो पैनिक सिचुएशन नहीं है और ओवरऑल देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का आज बेसिकली इम्पैक्ट था, क्योंकि कल मार्केट जब क्लोज हुई थी तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट आया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 22 तारीख को है और इसमें लोगों इन्वेस्टर का यही फियर था कि मॉनेटरी पॉलिसी में कहीं रेट अप ना हो जाए या कोई अनसर्टेनिटी ना हो। तो इस वजह से आज मार्केट का जो हमने लेवल देखा वो प्रेशर में देखा और मार्केट थोड़ी नेगेटिव इंडेक्स वाइज होती रही, जबकि आइटम वाइज भी देखा जाए तो आइटम वाइज भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी मगर रेट बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं थे। इसके अलावा अगर वर्ल्ड मार्केट और एशियन मार्केट की बात करें तो आज वर्ल्ड मार्केट और एशियन मार्केट न्यू हाई की तरफ थी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के बाद से इन्वेस्टर थोड़ा सा जो है वो अवॉइड कर रहे थे न्यू पोजीशन के लिए, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में आज आगाज नेगेटिव हुआ। फिर हमने मार्केट को नेगेटिव जाते हुए देखा और 45,545 तक मार्केट गई, लो बनाया मार्केट ने। इसके अलावा जैसे कि हमने अपनी ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि 45,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट एरिया है और मार्केट इस लेवल से बेहतर परफॉर्म करेगी, बाउंस बैक होगी। मार्केट 45,676 के करीब क्लोज रही, 226 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट में भी काफी कुछ स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया और जो सेक्टर हमने प्राइवेट और लोकल ग्रुप में बताए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर फीपीलीपी डेटा की अगर हम बात करें तो फीपीलीपी डेटा में आज फॉरेनर्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस की सेलिंग थी। आज सबसे ज्यादा जो सेलिंग थी वो म्यूचुअल फंड की थी। इसके अलावा अगर इनके अगेंस्ट में देखा जाए तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग थी आज मार्केट में, लेकिन जब भी बैंक्स और कंपनीज बाइंग साइड पर आते हैं तो मार्केट में एक न्यू हाई की तरफ मार्केट मूव करती है। हमेशा इनकी बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आज इनकी बाइंग देखा जाए तो आज इस नेगेटिविटी में मार्केट को जो सपोर्ट कर रहे थे कंपनीज और बैंक ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक्स में आज ऑटो सेक्टर सुबह से ही थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा था, फिर देखा जाए तो स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग रही लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्लोजिंग नहीं रही। इसके अलावा पावर सेक्टर भी आपका थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर फूड सेक्टर की बात करें तो फूड सेक्टर आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा, जबकि केमिकल सेक्टर में अगर देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स जो थे वो स्लाइटली पॉजिटिव थे और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में भी थोड़ा सा मिक्स व्यू था। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में शॉर्ट प्रॉफिटिंग थी, प्रॉफिटिंग की साइड पर था, जबकि फार्मास्यूटिकल्स में कुछ स्टॉक्स जो थे बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए और बाकी सर्वे अप्रोज में थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर आई। रिफाइनरी सेक्टर सुबह से देखा जाए तो थोड़ा सा डल एक्टिविटी के ऊपर था, हमने अपने स्पेशल ग्रुप और इसके अलावा लोकल्स ग्रुप में भी बताया था कि रिफाइनरीज के ऊपर नजर रखें और रिफाइनरीज आपकी हाई किसी भी टाइम पॉजिटिव मूड में आ सकती है और हाई सेट की तरफ मूव कर सकती है। देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी 346 का लो बनाया हुआ था और हमारी कॉल के बाद 361.70 रुपये का हाई बनाया और 357.54 रुपये के पास क्लोज हुआ, 5.38 रुपये का इजाफा हुआ। इसके अलावा ATRL, PRL और बाइकों में भी थोड़ी बेहतरी नजर आई। इसके अलावा अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर भी आज हाई साइड से प्रॉफिटिंग की साइड पर था, जबकि मारी गैस में, ऑयल स्टॉक्स की बात करें तो ऑयल स्टॉक्स में हमारी गैस में आज 15 रुपये का इजाफा हुआ, 1,549 का हाई लगा प्रॉफिट टेकिंग के साथ, 1,467 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा PSO में 88 पैसे का इजाफा हुआ, शेल में 3.08 रुपये का इजाफा, जबकि अदर स्टॉक्स जो ऑयल के स्टॉक्स थे इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी। इसके अलावा एवेंसियन आज बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आया, जिसमें 94.70 रुपये का हाई लिया, 93.43 रुपये करीब क्लोज रहा, 1.62 रुपये के साथ पॉजिटिव अप हुआ। इसके अलावा TRG में आज वंस अगेन सेकेंड हाई लगा 110.75 रुपये का और 104.53 रुपये करीब का लो बना और देखा जाए
तो 1 रुपये 37 पैसे के साथ प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा नेट सोल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, आज 175 रुपये 98 पैसे का लो बना, वहां से ये बाउंस बैक हुआ 189.89 के करीब। इसके अलावा 185.33 के करीब क्लोज रहा, 3 रुपये 1 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर स्लाइटली पॉजिटिव था और एक्यूमुलेशन साइड पर था। इसके अलावा अदर स्टॉक्स भी थोड़ा बेहतर और परफॉर्म करते हुए नजर आए, और कुछ स्टॉक्स स्लाइटली थोड़े नेगेटिव भी रहे। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट में देखा जाए तो आज डाउ जोन्स में 109 पॉइंट का इजाफा हो चुका है, 31,040 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा नैसडेक में 167 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा S&P में 28 पॉइंट तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। निकी की बात करें तो 390 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि अगर शिंगाई की बात करें तो शिंगाई की में आज 110 पॉइंट की प्रॉफिटिंग थी। इसके अलावा अगर हम इंडिया की मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज 393 पॉइंट का इजाफा हुआ और न्यू हाई की तरफ 49,792 के करीब क्लोज रहा। देखा जाए तो किसी भी टाइम जो इंडिया की मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 50,000 का लेवल क्रॉस कर देगी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हम अब भी बहुत पीछे हैं। वर्ल्ड की मार्केट और एशियन मार्केट मुसलसल न्यू हाई के ऊपर हाई बनाती जा रही है, और हमारी मार्केट अब भी जो है वो बहुत पीछे है, और मार्केट के हिसाब से अब भी हमारी मार्केट ने न्यू हाई की तरफ जाना है। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज 53.19 रुपये से स्टार्ट हुआ और 53.82 रुपये का न्यू हाई लगा, और देखा जाए तो 53.50 रुपये के करीब पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 52 पैसे के साथ, जो कि ENP ऑयल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। इसके अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है देखा जाए तो 45,676 के करीब इंडेक्स ने 45,500 का लेवल सस्टेन किया और क्लोजिंग अच्छी जगह पे दी है। इंडेक्स का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो है 45,900 का। अगर 45,900 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो देन 46,200 और इसके बाद 46,500 के एरिया तक मूव कर सकती है मार्केट। इसके अलावा सपोर्ट एरिया में 45,500 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट 45,200 तक जा सकती है, 45,200 से लेके और 45,000 तक मूव कर सकती है। इसके अलावा इंडेक्स की अगर वीकली क्लोजिंग देखें तो वीकली क्लोजिंग के एतबार से 45,800 की वीकली क्लोजिंग बनती है, जिसके एतबार से देखें तो अब भी मार्केट 130 पॉइंट डिस्काउंट के ऊपर है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स की आज अगर शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव हुई है, लेकिन अगर लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग व्यू अब भी पॉजिटिव है और मार्केट हाई साइड की तरफ मूव कर सकती है। मार्केट में बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट में आज थोड़ी डल एक्टिविटी थी, लोगों इन्वेस्टर में यही फियर था कि कहीं इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं 80% चांसेस यही हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रहेगा और इंशाल्लाह मार्केट न्यू हाई की तरफ होगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहे, शॉर्ट डिप पार्ट ऑफ द यानी पार्ट ऑफ द गेम है, और अपॉर्चुनिटी डिप पर जो अच्छे स्टॉक चूज करें। आज भी जो शॉर्ट करेक्शन हुई उसमें नेट सोल ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी इन्वेस्टर्स को, और 176 से देखा जाए तो 189 तक यानी कि 190 के करीब रिबाउंड हुआ, जो कि देखा जाए तो 14 से 15 रुपये रिबाउंड हुआ। इसके अलावा बाकी भी स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, नेशनल रिफाइनरी बेहतरीन रिबाउंड हुआ और डिप पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। तो ओवरऑल परेशान ना हुआ करें, ओवरऑल अच्छे स्टॉक चूज करें, हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग भी पार्ट ऑफ द गेम है। क्योंकि आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते तो होता ये कि स्टॉक नीचे आते हैं और दोबारा आपको लेने का चांस आप मिस कर देते हैं। तो कोशिश करें हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। बाकी मार्केट का शॉर्ट व्यू में अगर 45,500 का लेवल ब्रेक होगा तो करेक्शन वंस अगेन स्टार्ट होगी, लेकिन मार्केट किसी भी टाइम करेक्शन लेते वक्त किसी भी टाइम बाउंस बैक होने की पूरी ताकत रखती है और मार्केट आपकी न्यू हाई की तरफ जा सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है और लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट का व्यू अब भी पॉजिटिव है और मार्केट न्यू हाई की तरफ जा सकती है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स के ऊपर सेक्टर्स के ऊपर नजर रखें तो रिफाइनरी सेक्टर्स आपका बेहतर है और एक अच्छी मूव देख सकता है यहाँ से। इसके अलावा ऑयल स्टॉक्स आपके बेहतर हैं, ऑयल स्टॉक्स बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि ऑयल स्टॉक्स ENP देखा जाए तो ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में भी अप हो रहा है और ENP सेक्टर्स आपका बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम स्टील सेक्टर की बात करें तो स्टील सेक्टर देखा जाए तो ओवरसोल्ड है थोड़ा सा, लेकिन ये शॉर्ट डिप पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। फूड सेक्टर आपका अच्छा है, लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा
अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बैंकिंग सेक्टर में आज प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन ये शॉर्ट डिप पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑटो सेक्टर आपका हाईली पॉजिटिव है। इसके अलावा अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में नेटसोल, जनरल टायर, पार्क इलेक्ट्रॉन, रोशन पैकेजेस, इसके अलावा सितारा प्रोक्साइड बेहतर है। FNEL करेक्शन ले चुका है। इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास एक्यूमुलेशन फेज में, STPL, फ्लीट कॉर्पोरेशन, लूड्स बेहतर पोजीशन में और एक अच्छी मूव दे सकते हैं। शेल आपका बहुत अच्छा है, शेल एक हाई साइड की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आपकी देखा जाए तो शॉर्ट करेक्शन के फेज में थी, जो कि मार्केट ने आज भी कुछ पॉइंट्स को कवर किया, यानी कुछ पॉइंट्स की करेक्शन ली और मार्केट ने एक अच्छी खासी करेक्शन ली। लेकिन ये है कि मार्केट के जो लॉन्ग व्यू के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है और इंडेक्स के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी मार्केट के लॉन्ग व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड पर ही है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है और अच्छी डिप पर जो है वो अच्छे स्टॉक चूज करें, हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें और हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओवरऑल मार्केट का जो लॉन्ग व्यू है वो तेजी है। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह काफी ऑनलाइन में अकाउंट ओपन हो रहे हैं और काफी क्लाइंट जो है वो हमारे तरफ ओपन हो चुके हैं हमारे स्पेशल ग्रुप में। इंडेक्स के हिसाब से भी और आइटम के लिहाज से भी मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जिससे क्लाइंट एक अच्छी ट्रेडिंग कर लेते हैं और उनको उनको मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म से मिल रही है। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना चाहें और हमसे जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो होते हैं राइट शेयर में काम कर लेते हैं, कोशिश करें राइट शेयर में काम ना करें, क्योंकि राइट शेयर में ये होता है कि एक महीने की एक्सपायरी होती है। अगर आप राइट शेयर में ज्यादा क्वांटिटी के लालच में इसको बाय कर लेते तो होता ये है कि आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो इसको सब्सक्राइब करें यानी कि मजीद पैसे दे के इसको ओरिजिनल शेयर में कन्वर्ट करें, या फिर इसको अगर आप सेल नहीं कर पाते लास्ट डे में तो वो जाया हो जाते हैं। तो कोशिश करें राइट शेयर में बिल्कुल भी काम ना करें, ओरिजिनल शेयर में काम क्या करें। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो चढ़ती हुई जैसे कोई स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा चल रहा होता है तो अग्रेसिव होके उसको हाई साइड पे बाइंग कर लेते हैं, लेकिन इस तरह कभी भी ना करें, क्योंकि जैसे कि मैकपैक फिल्म देखा जाए तो लास्ट टू डेज से अपर लॉक की तरफ जा रहा था और काफी क्लाइंट ने यही किया कि उसको अपर लॉक देखते हुए कल की मार्केट में जो है इसको बाय कर लिया और आज मैकपैक फिल्म में लोअर लॉक लगा। तो वही बात है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो इस तरह ना क्या करें कि हर चढ़ती हुई चीज को जो है आप फौरन से उसके अंदर सारा सरमाया लगा दें। अगर आपको लेने का बहुत ज्यादा माइंड हो तो 20% लें, 30% लें, लेकिन जगह जरूर रखें एवरेज की, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अप डाउन वाली मार्केट है, इसमें अप भी होती है चीजें स्टॉक्स और डाउन भी होती है, लेकिन अगर आप एक ही जगह पर सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एवरेज करने का मौका नहीं मिलता। तो कोशिश करें हमेशा सेटिंग से चलें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपकी एक अच्छी अर्निंग हो सकती है और आपकी इनकम में इजाफा हो सकता है। इसको अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेटिंग से खेलने यानी कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप इसमें प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर इसके अंदर गैम्बलिंग या सट्टा करेंगे तो फिर इसमें आप यानी कि बहुत जल्द इसमें नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।